यूपी के फिरोजाबाद में देर रात पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट होने से दर्दनाक हादसा हुआ। घटना में विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकान ढह गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिसमें से 6 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने का कार्य भी लगातार जारी है। आगरा रेंज के IG दीपक कुमार ने बताया कि SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच रही है और हम तेजी से बचाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके इस तरह से गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इस तय जगह पर कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया था और निश्चित तौर पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। जो जिनसे बात हो रही है, जिनके घर हैं, उनके घर वाले के हिसाब से एक दो लोग अभी मेरी जिनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि एक उनकी उनका बच्चा है वो वहाँ पर दबा हुआ है। एक और लोगों ने कहा कि एक आध और लोग हो सकते हैं, तो SDRF की भी टीम आ रही है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। तो जो भी हम लोगों से जो भी बेस्ट हो सकता था, हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम राहत देना है, उनका इलाज कराना है और जो इसमें एक सदमा लोगों को लगता है उससे दूर करना है और बाकी और चीज़ों पर जिसके द्वारा जो गलती की गई है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग घायल हैं, क्या है? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सिकोहाबाद में जहां पर कि हम लोग खड़े हैं, सिकोहाबाद थाना क्षेत्र में, इस गांव में एक घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो उस विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इस घटना में इसमें कैजुअल्टी हो गई 4 लोगों।